हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जैसे कि शासन के आदेश के अनुसार 70 वर्ष से अधिक के जो भी बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाने का प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कि 70 साल से अधिक वाले जितने भी बुजुर्ग हमारे माता पिता वृद्ध जन हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाना था। इसमें सभी प्रकार के जो क्राइटेरिया थे वह खत्म कर दिए गए थे, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, चाहे वह प्राइवेट कार्य करने वाला हो, चाहे उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसा भी हो उनका सभी का जो है आयुष्मान कार्ड बनना था, जिसकी प्रक्रिया 2 या 3 दिन के लिए शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से अब जो है पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण से अभी जो है वह ऑप्शन गायब कर दिया गया है। इससे जो है वृद्धजन एमपी ऑनलाइन और जो है अपने मोबाइल के माध्यम से भी और जो है अलग अलग माध्यमों से भी परेशान हो रहे हैं कि हमारा जो है किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। तो आइए दोस्तों, हम पोर्टल में चल के देखते हैं क्या कुछ हमें दिखलाई दे रहा है, क्या आयुष्मान कार्ड बनना 70 प्लस एज वालों का चालू हो गया है या अभी उसमें कोई समय लगेगा। जैसा भी कुछ है हम आपको पोर्टल पे ले जाकर दिखलाते हैं कैसा अभी हमें दिखलाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जो है आयुष्मान के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो है लॉगिन कर लेते हैं, ऊपर हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे मोबाइल पे जो है हमें ओटीपी कोड प्राप्त होने वाला है, जैसे ही कोड हमें प्राप्त हो जाता है हम यहाँ पे कोड भी अपना डाल देते हैं। ओटीपी कोड हमारा प्राप्त हो चुका है, अब जो है हम नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो है दिया हुआ कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद जो है हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जो है आयुष्मान कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको बतलाना चाहूंगा, पहले यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे जो है 70 प्लस जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता वृद्धजन है उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यह लगभग 2 से 3 दिन हो चुका है यह ऑप्शन यहाँ से गायब कर दिया गया है। यह किस कारण से गायब किया गया इसकी जानकारी अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन वृद्धजन जो है बहुत ही परेशान हो रहे हैं, आए दिन ऑनलाइन साइबर कैफे के चक्कर काट रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो है उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, क्योंकि बहुत ही अधिक इसका प्रचार प्रसार कर दिया गया था, न्यूज चैनलों में दे दिया गया था, पेपर में दे दिया गया था, रेडियो चैनल्स में दे दिया गया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे हमें कहीं भी अपडेट नहीं दिखलाई दे रही है। हम यहाँ पे ऑप्शन भी लेके देखते हैं तो हमें यहाँ अलग अलग विकल्प दिखलाई दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें 70 प्लस एज वालों का आयुष्मान कार्ड बनाने का कहीं पे भी लिंक दिखलाई नजर नहीं आ रहा है। हम जो है आपको सारे मेनू पे जाके भी दिखला दिए हैं, आप यहाँ सभी जगह पे देख सकते हैं, कहीं पे भी हमें पोर्टल में नजर नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से जो है 70 प्लस वालों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। तो यह किस कारण से हुआ है, हो सकता है कुछ अपडेटिंग कार्य चल रहा हो इस कारण से, हो सकता है अभी इन्होंने आयुष्मान पोर्टल से जो है 70 प्लस वालों का सीनियर सिटीजन्स का जो है ऑप्शन गायब कर दिया है। जल्द ही हो सकता है इनकी अपडेटिंग का कार्य पूर्ण हो जाए और फिर से जो है वापस इनका लिंक आ जाए। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड बनाने का लिंक आएगा 70 प्लस वालों का, हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आएगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल, तो दोस्तों आप परेशान ना हो, जैसे ही यहाँ पे हमें कोई अपडेटिंग दिखलाई देती है और फिर से 70 प्लस एज वालों का आयुष्मान कार्ड बनना प्रारंभ होता है, हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और आपने अभी तक जो है इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो और भी जरूरतमंदों को शेयर कीजिए, ताकि वह अभी परेशान ना हो, किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे के चक्कर ना काटें, क्योंकि अभी जो है 70 प्लस वालों का आयुष्मान कार्ड बनने का जो लिंक था वह पोर्टल से हटा दिया गया है। तो जैसे ही यह शुरू होता है हम फिर से नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।